master degree. I suppose, I assume, सबको घराने के बारे में पता होगा, तो भी मैं ब्रीफ करता हूँ. घराना ये ऐसा एक शब्द है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैमिलीज बोलते हैं, फैमिलीज, घराना. और घराने में सभी मूल घराना कौन सा है, ग्वालियर घराना. सभी को मदर ऑफ ऑल घराना बोलते हैं. कौन सा है, ग्वालियर, ग्वालियर घराना, स्वामी हरिदास और उनका परंपरा, तानसेन, बैजू बावरा, सब लाल बलिहारी, सब वो. उस घराने में क्या है, चार अंग है, परिपूर्ण गायन बोलते हैं उसको, इसको ग्वालियर घराना को. परिपूर्ण माने क्या है, उसमें क्या क्या रहता है, परिपूर्ण आलाप प्रधान, बोलतान, सरिगम प्रक्रिया और तान प्रक्रिया, ये चारों मिलके चारों अंग होना चाहिए इसका गायन. गायकी में ये सब रहता है, उसे क्या बोलते हैं, परिपूर्ण गायन, परिपूर्ण गायन बोलते हैं. और ये सब सारों चारों अंग है ना, ये ग्वालियर घराने में है. कई कई ये घराना नाम ऐसा डेरा आ गया, जहाँ जहाँ वो व्यक्तिगत से नहीं, प्लेस के बारे में, प्लेस से वो काम का नाम आ गया. ये ग्वालियर घराना स्वामी हरिदास जी द्रुपद दमर के सिस्टम में वो गाते थे, इसलिए वो ग्वालियर में रहते थे, बोल के वो ग्वालियर नाम से आ गया, ग्वालियर घराना. और कई कई गाँव में लोग क्या किए, उनका इंटरेस्ट किस में आ गया, चार अंग में, आलाप प्रधान, बोलतान, सरगम और प्रधान प्रक्रिया में. कई कई लोगों को क्या, हम सिर्फ ये चाहते हैं क्या, आलाप प्रधान अथवा स्वर प्राधान, जैसे हमारा है, हमारा घराना है किराना घराना. किराना घर में क्या है, हम ऐसा सोचते हैं, पितृ माता पितृलय ऐसा सोचते हैं, इसलिए ज़्यादा जोर किसको देते हैं, माता और स्वर. स्वर से ही संगीत प्रारंभ होता है, इसलिए हमारा लोग, हमारा पुरातन, हमारा गुरु के गुरु, हमारा परंपरा में स्वर को प्राधान्य देके स्वर प्राधान्य गायन हम किराना वाले, किराना घराने वाले ये किए. और आगरा घराने वाले आगरा गांव से फयाज खान साहब और बड़े बड़े कलाकार उस्ताद, वो उन्होंने नोम तोम और हमारा पारंपरिक द्रुपद दमार के वो भी शैली भी रखते हुए और नोम तोम से स्टार्ट किया, ओम नमो नारायणाय, ओम 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 ओम, ऐसा ओम नमो नारायणाय ओम, वो क्या है, द्रुपद दमार की शैली है, वो स्टार्ट वो पकड़ के बाद में आलाप करने लगे और नोम तोम बोलते हैं उसे, नोम तोम. और इसके अलावा जयपुर घराने, जयपुर घराने क्या किए, ये आला स्वर प्रधान, आलाप प्रधान, ये तान प्रक्रिया, जब तान प्रक्रिया को ज़्यादा जोर दिए. और एक है उसमें, इस पर उनका स्पेशलिटी बोले तो अप्रचलित राग, जोड़ राग, अप्रचलित राग, उन्हें उनका फाउंडर है अल्लाह दिया खान साहब. अल्लाह दिया खान साहब ने उन्होंने क्या किया है, उसका नाम आप सुने होंगे, उनमें वो लोग बोले अल्लाह ने इस बच्चा को दिया है, इसलिए अल्लाह दिया खान साहब ऐसा बोलते हैं. अल्लाह दिया खान साहब बड़े विद्वान थे, उनको 16 लैंग्वेज का ज्ञान था, परिपूर्ण गायन ज्ञान था. और वो एक्चुअली वो बोलते थे, मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं मेरा पूर्वज ब्राह्मिन्स है और परंतु कन्वर्ट होके हमें ये मुसलमान में इसलिए मैं आना पड़ा है, इसलिए हम उसको 16 लैंग्वेज का ज्ञान था. वो स्वयं कितनी बंदिशों का रचना की है, अप्रचलित राग किए हैं, जैसे उनका है उनियारी और
लच्चा साहब ये सब बैंड उनका है, बहुत तरह के उन्होंने सेल्फ कंपोज किए हैं, वो जयपुर घराने वाले, इंदौर घराना हमारा आमिर खान साहब फेमस है, सरगम प्रक्रिया ज़्यादा करते हैं और तान प्रक्रिया तो सभी लोगों में है, ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर घराना आगरा घराना और हमारा किरण जो है ग्वालियर घराने में भी है, किराने घराने ये उसके बारे में अब आपको शायद मालूम होगा, ये चार अंग है ना इम्पोर्टेंट है, आलाप स्वर प्राधान्य, नेक्स्ट कम्स बोलतान, तान सरिगम प्रक्रिया और तान। ये किराने वाले क्या करें, सिर्फ स्वर प्राधान्य गायना, स्वर कैसे लगना चाहिए, आवाज़ कैसे तैयार करना चाहिए, ये सब सोचते हैं, प्रोफेशनलिज्म, उसे क्या बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, आवाज़ ऐसा लगना चाहिए, किराना गान का स्पेशलिटी क्या है, आवाज़ में मधुरता होना चाहिए, वो हमारा पूर्वज हमारा गुरुजन बोलते थे, स्वरों में आप भावना डाल दो, फीलिंग्स स्वरों में भावना डालो, स्वरों में भाव आ गए तो दूसरों को हार्ट आप टच कर सकते हैं। और हमारा गुरुजन भी वो भी कहते थे, जब आपको रोना आता है अपने आप रोना चाहिए, रोना आता है तब आप दूसरों को रोलाएंगे, ऐसा बोलते थे, इफ़ यू नो द स्टाइल ऑफ क्राइंग देन यू विल मेक अदर्स टू क्राई वीप। इसलिए उसके लिए क्या है, हार्ट एकदम कोमल होना चाहिए, किराना घराने का ये है, हृदय स्पर्शी स्वर लगाओ एक है, दो सेकंड इज मधुरता, स्वरों में मधुरता आना चाहिए, भावपूर्ण मधुरता आना चाहिए और शांतता, ये सब मिलके एक स्वर लगाना सोचते हैं, ऐसे कर सोचते हैं हाउ टू मेक द थिंग्स ब्यूटीफुल, कलात्मक दृष्टि बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कलात्मक दृष्टि, प्रोफेशनलिज्म, ये सब किराना घराने में हम जोर देते हैं, जहाँ किस स्वर पर जोर दिया तो प्रेक्षक को सुनने वाले को अच्छा लगता है, ये सोचते हैं ना, ग्रामर अलग रहता है तो भी किसको जोर दिया तो कैसा अच्छा लगता है वो सोचते हैं। वो हमारा एक किराना घराना का परंपरा के बारे में बोलता हूँ, किराना घराना एक्चुअली पुरातन इसमें पांडव लोग है ना, पांडव कौरव ये तब से आया है, हमारा गुरुजन बोलते थे कर्ण, जो आप नाम सुनेंगे कर्ण, पांडवों के अग्रज धर्मराज के अग्रज, वो गाना गाते थे, पहले ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं है, अच्छा गाना गाते थे कर्ण, और उनसे ये प्रारंभ आ गया है बोलते, ऐसा बोलना है, और कई के ये भी बोलते हैं ऐसा परंपरा आके करण अपभ्रंश होके किरण किरण किराना ऐसा हो गया, अपभ्रंश होके ऐसा से बोलते हैं। ये अभी ये मुगल मुस्लिम इन्वेजन होने के बाद 1870 में क्या हो गया, हमारा सादिक साहब सादिक अली खान वो द्रुपद गायक थे और बीन वादक भी थे, वो उनसे आज ये उत्तर प्रदेश में मेरठ ऐसा एक है उसके आसपास वो रहते थे, उन्होंने वही कल्चर कंटिन्यू किए हैं, सादिक अली खान 1870 कुछ है, और वहाँ से उनका बेटे थे बंदी अली खान साहब, आप बंदिश वगैरह सुने होंगे किराना घराने के बंदिश, जिसमें इनका वर्णन है, बंदी अली खान साहब के वर्णन है, वो तान के कप्तान बोलते हैं, तान के कप्तान, ऐसे एक तो मियाँ की तोड़ी में एक बंदिश है, बोल देता हूँ कैसा है,
उनका वर्णन किया है। दिन बंदी तान कपतान, दिन बंदी तान कपतान, दिन बंदी तान कपतान, जिद में अली बंदे अली आन, दिन बंदी के तान कपतान। इसका बहुत खूब वर्णन किया है। ऐसे तान मारते थे एकदम बारिश जैसे, वो ऐसे तान मारते थे, इसलिए फेमस है, तान के कपतान बोलते हैं, ऐसा वर्णन किया है। तो भी बंदी अली खान साहब यानी उनका बेटे बच्चे थे, दो बच्चे थे, मुराद खान और नन्हे खान, मुराद खान और नन्हे खान, ये सब बीन वादक थे और ध्रुपद गायक भी थे, उन्होंने कंटिन्यू किए। उसके बाद अजीम बख्श और अल्लाह बख्श ये, और उनका नेक्स्ट जनरेशन काली खान, उनके बेटे, उनका अंकल अब्दुल वहीद खान, अब्दुल करीम खान। अब ये दोनों, अब्दुल करीम खान जी वो किराना अखाड़ में बहुत प्रख्यात नाम है, अब्दुल करीम खान, उन्होंने क्या है, वो भी बीन बजाते थे और सारंगी बजाते थे और आवाज़ ऐसा निकालते थे सारंगी जैसे, सुर इतना पक्का। इसलिए जब उन्होंने गुजर गए ना, तब पैसे भी पेपर में आ गया, आज दुनिया से सुर गया, सुर निकल गया, नहीं इतना पक्का थे और इतना सुरेव मधुर था। इसलिए अब्दुल करीम खान साहब वो बहुत पहले हो गए, वो भी पहले पहले एक कैसे क्या हो गए, पहले जो गाते थे अच्छे नहीं गाते थे, एक फकीर के गाना सुन के पागल हो गए, क्या इतना सुरील गाता है, मैं तो इतना सीखा हूँ तो भी उनको जैसे हम गा नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या है, उनके जैसे सीखेंगे बोल के उसके पीछे पीछे गए। ऑलमोस्ट 2 साल उसको ये क्या, उन्होंने विद्या नहीं बताया, उनको मालूम हो गया छोड़ता नहीं ये लड़का बोल के, बाद में उसे बोला कि विद्या दान की हो, कैसा स्वर लगाना है वो बताइए। इसलिए अब तब से अब्दुल करीम खान सब मधुरता को अपने हाथ में लेके स्टार्ट किए, अब्दुल करीम खान, और उनका बड़ा भाई अब्दुल वहीद खान, और आज ये दो परंपरा आज अभी चल रहा है। अब्दुल करीम खान के थे और उनका शिष्य सवाई गंधर्व, हमारा धारवाड़ के जिला, कर्नाटक के धारवाड़ जिला है, कुंदगोल बोल के, वहाँ सवाई गंधर्व बोल के है, थे हाँ कुंदगोल वहाँ बड़े विद्वान थे, ऐसा विद्वान। अभी देखिए काली दो है ना, काली दौर का तानपुरा मैं एडजस्ट किया हूँ, वो स्टार्ट तो कैसे करते थे, इतना स्वरों पर पक्का थे सवाई गंधर्व, काली दो वो काली चार को गाते थे, काली चार पर काली चार तानपुरा काली चार प्ले होता था, वो आधा पट्टे आधा स्केल ज़्यादा करके गाते थे और वापस फिर चार को ही आते थे, इतना स्वरों पर मास्टरी ऐसा था सवाई गंधर्व। और तालों के बारे में तो बहुत विद्वान थे, ताल कैसे, सभी लोग क्या कहते हैं दुगुन ज़्यादा ज़्यादा चौगुन दुगुन चौगुन, परंतु इन्हें ऐसा नहीं था, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा जिद्दी था, बहुत ही जिद्दी, और इतना सुंदर गाते थे, एक आधा सुर चढ़ा के और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कौन गाता है आजकल, कौन है वो गया, वो भी उनका पांडित्य सब देख कर नागपुर में उसको ऑनर किए, ऑनर करके आप गंधर्व नहीं, गंधर्व के सब काल भाग ज़्यादा 1/4 भाग ज़्यादा हो, इसलिए मराठी में क्या बोलते सवा बोलते, सवाई गंधर्व बोल के उनको पदवी दिए।
गंधर्व नहीं है, तो वन फोर्थ ज़्यादा हो बोल के सवाए गंधर्व बोल के उनको ऑनर किया नागपुर में, सब लोग गुनीजन मिल गए। ऐसा आदमी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे हवाई गंधर्व जी, परंतु उन्होंने जब ये अब्दुल करीम खान का कार्यक्रम उनके गाना सुनने के बाद वो पागल हो गए, मेरा एक लेके क्या करना है, दुगुन चौगुन साढ़े तीन साढ़े चार दुपट्टे के लेके क्या क्या करेंगे, इसमें सुख कुछ भी सुख नहीं है, वो ऐसा लगाओ स्वर लगाए तो कब, जैसे हमारा अब्दुल करीम खान जी स्वर लगाते थे, ऐसा लगने से आनंद होता था। मेरा गाने में कुछ भी ऐसा नहीं है, कैसे करे उसे शागिर्द वो शरण होके वो सीखने लगे, और वो भी पहले नहीं सीखे थे, ये तुम क्या है तुम एकदम बहुत इंटेलिजेंट हो, हवाई गंधर्व बोल के आप पदवी मिला, मैं साहब ऑलरेडी मैन हूँ, ऐसे आप जैसे विद्वान नहीं हूँ मैं, वो बोले मैं विद्वान एक स्वर लगना भी मुझे नहीं आता है, इसलिए कोई बड़े लोग ऐसे ही बोलते हो, पहले एक स्वर लगाना सीखो बोलते, एक स्वर कैसे लगा वो आया तो स्वर लगाना आपको आ गया तो बाद में आप कुछ भी गा सकते हैं, स्वर ही नहीं लगता तो कैसे करते हैं, आपके पास बहुत विद्या हो विद्या है परंतु स्वर नहीं लगा तो ये है ना, इसलिए वो उन्होंने बताया स्वर कैसे लगाना, वो कैसे सीखे बाद में उनके शागिर्द बन गए अब्दुल करीम खान के शागिर्द हवाई गंधर्व। हवाई गंधर्व के परंपरा गंगूबाई हानगल बोल के, वो गंगूबाई हानगल वो भी धारवाड़ के हैं और वो भी सीखे, और कागलकर बुआ वो भी सीखे, उनके प्रमुख शिष्य है, और बॉम्बे के फिरोज दस्तूर वो भी बड़े महान कलाकार थे। इसके अलावा पंडित भारत रत्न भीमसेन जोशी जी वो भी उनका शागिर्द थे, और उनका परंपरा गंगूबाई के शिष्य है और कृष्णा हानगल बोल के थे, अभी कुछ सभी गुजर गए, और कागलकर बुआ वो भी गुजर गए, भीमसेन जोशी जी वो भी गुजर गए, अभी उनका शिष्य प्रशिष्य है गंगूबाई के, वह शिष्य है हमारे गांव के वही नज़दीक है, वो नीरलगी बोल के वो है कहेगा मेरा है, और अशोक नारगिर बोल के वो भी है कुंदगोड़ का है, और हमारा वो पंडित भीमसेन जोशी जी का है, और फिरोज दस्तूर भी म्यूजिक कॉलेज स्टार्ट की बॉम्बे में, उनका डिप्लोमा कॉलेज है मास्टर डिग्री का कॉलेज है, फिरोज दस्तूर जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो भी गुजर के अभी वो भी नहीं रहा, परंतु कॉलेज है दे डू कंडक्ट द कॉलेज देन। उसके बाद और कौन है, भीमसेन जोशी जी इतना प्रभावित व्यक्ति थे, गाने में ऑलमोस्ट एक शब्द हिस्ट्री में रिजोनेंस बोलते हैं, उसका अर्थ है क्रांति, पूरा क्रांति किया, कौन भीमसेन जोशी जी, नो डाउट उन्होंने क्या किया है, उनको सिर्फ अपना गुरु के पास 7-8 साल सीखना पड़ा, बाद में वो उनको उनका तबीयत खराब हो गई इसलिए वो उनके पास नहीं गा जा सका, परंतु वो 6 साल में जो भी सीखे उनके आधार पर वो पूरा हिंदुस्तान घूम के जो अच्छे अच्छे चीज़ है सभी घरों में, जो अच्छे अच्छे चीज़ है अपना घरान में लेके वो गाने के लिए करें, जैसे अब्दुल केसर भाई जयपुर घराने के केसर भाई केतकर उनका तान पलटे, और आमिर खान साहब के सरगम पलटे, और फयाज खान साहब जी के लगाओ कैसे स्वर लगाना, रॉब कैसे स्वर लगाते हैं, उनका फयाज खान से आगरा घराने से वो लिए, इसलिए सब मिल लेके अपनापन के, इसलिए क्या बोलते हैं एक दो शब्द है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में, एक गायक और एक नायक, वो शब्द है गायक और नायक। गायक बोलते क्या है, गायकी परंपरा
गुरु जैसे बोलता है मक्के के मक्की वैसे ही गाना। हाँ हाँ मक्के के मक्की बोल रहे हैं, क्या है जैसा गुरु बोलता है वही दो शब्द ज़्यादा भी जो तान नहीं है जैसे सीखे रहते हैं वैसे गाना, उसे क्या बोलते हैं गायकी। वेरेज अंदर शब्द है नायकी, ये बहुत मुश्किल है। नायकी माने जो गुरु आपको बताए रहता है उसके अलावा आपका विचारधारा में अपनापन दिखाना, उसको ऐड करके गुरु जी का और अपनापन दिखा के वो उसमें ऐड करके गाना, उसे क्या बोलते हैं नायकी बोलते हैं। नायकी जो नायक जैसे हीरो हीरो जैसे रहता है कौन नायकी, इसलिए नायकी इज मोर प्रोनोमिनेंट दैन दिस गायकी, वो भी बहुत दिन तक वो टिक सकता है नायकी नायक। ऐसे भीमसेन जोशी जी हो गए, उन्होंने ऑलमोस्ट पिछले जो मीडिया थे और आगे जो भी आगे तो नहीं होगा पीछे, और तब भी उनके बारे में उनके साथ साथ जो पंडित लोग थे इस ये आदमी जैसे कोई नहीं ये कर नहीं पाया। उन्होंने ऑलमोस्ट सभी घराने का अच्छे अच्छे गुण लेके अपना इसमें घराने में लाके सब प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रोफिशिएंसी ये सब लिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया और कलात्मक दृष्टि वो इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट को या आर्टिस्ट अलग है, ये गायक ये है ना पुस्तक लिख के म्यूजिक से सिखाते दिखिए वो अलग है, म्यूजिक सिखाने वाले अलग है, और डे टू डे एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम या एक्सपेरिमेंट करके करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं कलाविद आर्टिस्ट। वो डे टू डे सोचते हैं ये कैसा करना। मैं देखा पंडित जी भीमसेन जोशी की जोशी के साथ तानपुर पे बजाऊँ स्वर भी लगाऊँ, तब क्या करते थे छः कंटिन्यूस प्रोग्राम था, एक बेलगांव हुबली बेंगलोर और कोल्हापुर, ऐसा चार छः प्रोग्राम, ऑलमोस्ट छः प्रोग्राम में मुल्तानी गए राग मुल्तानी आप सुनेंगे मुल्तानी राग गए, परंतु हर जगह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुल्तानी है अपना दिमाग तेज करके, वही एक कल्पना शक्ति है आर्टिस्टिक अप्रोच है कलात्मक दृष्टि है वो, इसलिए मैं ऑलमोस्ट एक क्रांति उन्होंने किया है कौन पंडित भीमसेन जोशी जी। पर वैसे वही फिरोज दस्तूर और गंगूबाई हानगल वो भी अच्छे गाते थे, ऐसा नहीं गाते नहीं गाते थे ऐसा नहीं है, परंतु ये इस क्रांति के जो जैसे गुरु बोलते थे वैसे गाते थे कौन फिरोज दस्तूर साहब और गंगूबाई हानगल, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया ऑलमोस्ट क्रांति एवरीथिंग इज ओन स्टाइल किराना घराना में ही ओन स्टाइल किए। अभी देखिए ये तो हो गया, देन उनका शिष्य परंपरा भीमसेन जोशी जी के परंपरा मेरा बड़ा भाई माधव गुड़ी वो था, और मेरा बड़े भाई के हम सब शागिर्द थे ऑलमोस्ट उनका बच्चे हैं, और भाई साहब अब हम सब लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं नागराज हवालदार और ये चंचल यहाँ बी एच यू में है वो भी हमारे भाई का शागिर्द है, ऐसा ही परंपरा चलता आ रहा है। किराना घराने का स्पेशलिटी क्या है मैं बताया आपको, स्वर प्राधान्य गायना, स्वरों में मधुरता होना चाहिए और बंदिश छोटा रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना राग विस्तार स्वर में वो दिखाना चाहिए। ऑलमोस्ट किराने घर में चीज़ बंदिश है ना शब्द बहुत कम रहता है, परंतु ज़्यादा आलाप प्रदान हो रहता है वो करते हैं। मैं इसके विशेषता लिखा हूँ शांत रस भावपूर्ण लगाओ मधुर लगाओ, और एक स्वर का आलाप होने के एक स्वर में कितने आप कर सकते हैं वो होने के बाद नेक्स्ट स्वर को जाते हैं, जैसा रे सा होने के सा पर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं आलाप करना है, नेक्स्ट रे ग ऐसा एक शब्द एक राग में जो भी स्वर है आरों में वो सब एक एक स्वर होने के बाद दूसरा स्वर पर जो सब ये करना आलाप करके आगे जाते हैं, इसलिए एक हो गया। और आलाप में
हरकत, मुर्की, खटका, ये सब नाम आप सुने हैं क्या? मुर्की बोलते हैं, मुर्की, हरकत और खटका, ये किराना घर में, इसके अलावा कुछ और कोई भी मैं आई डोंट थिंक दे आर इन डिफरेंट घर में ऐसा नहीं है। हरकत, मुर्की, खटका, खटका माने आपको मालूम है खटका? आपके कोई जानते हैं खटका? खटका मीनू क्या है? ये सौंदर्य का है, आलाप में सौंदर्य चाहिए, हम जो आने के लिए करते हैं, जैसे किराने घर में है, ये कौन सा भी चीज़ ले लो, बंदिश ले लो, कौन सा भी राग ले लीजिए, उसमें एक स्वर को दूसरे स्वरों से लाइट आघात देना, फेदर टच छोड़ते हैं, फेदर टच से ऐसे आघात देना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? खटका, खटका। इसे हमारा वृंदावन सार में कौन सभी रागों में खटका रहता है। बंदिश किराने घर में स्पेशलिटी खटका, सौंदर्य वर्धक एक है। और हरकत, हरकत माने कैसा है? आलाप में आता है, आ आ आ आ आ आ। एक्चुअली कायदे एज पर द रूल आलाप में ता नहीं मारना कभी भी नहीं, सिर्फ आकार में स्वरों को प्रस्तुत करने का पता है, आकार में और स्लो ले में, उसी में छोटा 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 एक ता हरकत बोलते उसे। तुम रब तुम साहे हर जगह में खटका, मुर्का ये सब रहता है, एक सौंदर्य वर्धक है। और एक है किराना घराने में सभी लोग गाते हैं, भातखंडी सब सभी लोगों का आधा सभी घरानों में सभी लोग क्या करते हैं, ये भातखंडी जी का उन बुकों में जो भी बंदिश है वही फॉलो करते हैं, सभी लोग वही फॉलो करते हैं, परंतु किराने घराने में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है? अभी तोड़ी में एक चीज़ है, सभी लोग को आपको मालूम होगा, लंगर का करिया जी न मारो, ये सब आपको मालूम है, लोग कैसे गाते हैं?
जी के कैसे अप्रोच किए, कितना आकर्षक कर सकते हैं वो करते हैं, देखते हैं हाउ टू मेक द थिंग्स ब्यूटीफुल एंड ऑडियंस को इधर हृदय को लगना चाहिए ऐसा सोचते हैं, इसलिए कैसा अप्रोच किया देखिए। सभी लोग सभी घराने वाले कैसे गाते हैं, नहीं दूसरा घराना को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, वो भी बड़े बड़े विद्वान हैं, सभी कलाकार है, परंतु हमारे नज़र से हमारे दृष्टिकोण से हम बोल रहा हूँ, किराना घराने में क्या करते हैं, आकर्षक कैसे बन सकता है, मैक्सिमम कितना कैसे कर सकते हैं वो सोचते हैं, इसी पंडित जी ने हमें बताया। और आकर्षक इसमें सभी घराने में और दूसरा घर में क्या है, पक्कड़ बोलते, पक्कड़ अलग अलग ही रहता है, परंतु हमारे घराने का पक्कड़ ऑलमोस्ट अलग ही है। राग को राग स्फुट होना चाहिए, राग एकदम गेटअप होना चाहिए ऐसा सोचते हैं। अभी देखिए लग हमारा थोड़ी के गगर जनी धर्म मग धम निद सानी रे धग बाकी का है ऐसा नहीं है, बाकी ग्राउंड में वो भी अच्छे हैं, परंतु ये नहीं प्रैक्टिकल पर थोड़ा कम है, मैं एज पर माई नॉलेज इसलिए भी हर राग में यमन धनी रे ग यमन धनी रे ग मद पप मारे ग रे रे ग म प ग म रे ग मग ग रे गा रे नी ध नी रे हर राग का अलग अलग ही पकड़, ये ऐसा पकड़ कोई दूसरा ग्रहण में नहीं है, होगा परंतु इतना ये नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच यमन ही होना चाहिए। और यमन के नज़दीक और राग है चंद्रकांत और मारू बिहार, मारू बिहार में कैसा है औरों में मांग रे पनी सागर मगरे ये मारो बिहार मगर ये सांग है ना यमन का ही है, इसलिए हम वो मारो बिहार नहीं होना बोल के कैसे करते हैं मागर मरे रे गे नीर नीरे बाकी का नियर बाय राग कित राग बोलती है अथवा निकटवर्ती राग नहीं होना चाहिए, उसका भास कहीं भी नहीं आना चाहिए ऐसा सोच के ही करते हैं। ये पकड़ के बारे में बोल दिया और इसका यह ना चीज बंदिश बन रहा है जैसे थोड़ी में मैं बताया ये लंग
लंगर का करिए जी न मारो, लंगर का करिए जी न मारो, लंगर का अंतरा दी के हो इट डिफर्स फ्रॉम अदर घराना। सुन पावे मोरी सासन नदिया, सुन पावे मोरी सासन नदिया, दौर दौर घर। सभी घराने वाले कैसे बोलती है दूसरे घराने वाले सम से लेते हैं, आप चाहे मैडम को मालूम हो कैसे। सुन पावे मोरी सासन नदिया, दौर दौर घर आवे, लंगर का। ये सब दूसरे घराने वाले बोलते हैं, हमारे घर किराने के बोलते हैं कैसा है। हाउ प्रैक्टिकल अप्रोच, हाउ अट्रैक्टिव इट इज, सभी को आकर्षक कैसे करते हैं, कैसे करना वो सोचते हैं किराने वाले। ये तो मैं दिखाता हूँ, हर चीज हर आलाप अपनापन दिखाना चाहते हैं। हम खाली से लेते हैं, ओ सम से लेते हैं। सुन पावे मोरी सासन नदिया, दौर दौर घर लंगर का। ये पीस है ना ऑलमोस्ट 13 मंत्र का ये पीस, कोई नहीं मारते, सभी आसान सोचते हैं, आसन करना सोचते हैं। आवे ये सब गाते हैं, परत ये नहीं गाते, गाते इसलिए ना पंडित जी ये स्पेशल क्या बोल रहा हूँ, किराना घराने का स्पेशलिटी में उसके बारे में बोल रहा हूँ, समझ गया ना। और दोबारा बोलता हूँ देखो, सुन पावे मोरी सासन नदिया, दौर दौर घर लंगर का करिए जी न मारो, लंगर का करिए जी न मारो, लंगर का करिए जी न मारो, मोर अंगवा लग जा ए लंगर का। समझ गया, ऐसा ही है। और एक राग है हमारे घर घराने का स्पेशल राग है, कौन सा, शुद्ध का शुद्ध कल्याण, आप सुने होंगे शुद्ध कल्याण, शायद एमए फर्स्ट और प्रीवियस ऑफ सेकेंड ईयर को होगा। शुद्ध कल्याण हमारा घराने का स्पेशल राग है, सभी घराने वाले कैसे गाते हैं। शुद्ध कल्याण माने भूप और कल्याण मिक्स करते हैं, जैसे सारे ग प द सा सानी रब मगरे सा, ये ऐसा भूप शुद्ध कल्याण बोलते हैं, जैसे आमिर खान साहब वो गाए हैं, उनका रिकॉर्ड है कैसे, सारे ग प द सा सानी रब मगरे सा। बसोरा राजगुरु थे वो भी ऐसे गाते थे, बाकी का सब लोग ऐसे ही गाते हैं, परंतु हम नहीं गा सक गाते। मध्यम और षड्ज कभी भी स्पष्ट नहीं बोलते हैं, सिर्फ क्या करते हैं मध्यम निषाद मीट में लेते हैं और जोर दे के मध्यम और निषाद दिखाते हैं। ये किराना घराने का स्पेशल राग है, स्पेशलिटी है, विशेष है ना। ऐसा देखिए बोलता हूँ, आ ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य वर्धक करते हैं। आ आ आ आ और जोर आ, सिर्फ वही स्वर है, सिर्फ भूप्राग के स्वर है, पर तो जोर दिया तो शुद्ध कल्याण होता है। इसलिए हम शुद्ध कल्याण गाना आसान है, परंतु भूप गाना बहुत मुश्किल है। जिसको भूप आता है, भूप्राग गाना आता है, वो राज बनता है, ऐसा हम बोलते हैं। भूप्राग में कितना कठिन राग है, नो डाउट,
पांच स्वर है अवड़ो अवड़ो जाति राग है, परंतु बहुत ही कठिन राग है। आप पूछते होंगे क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दैवत पर नोज नहीं जोर नहीं देना। सारे ग प ध नहीं, क्या होता है सारे ग प सानी ध सूक्ष्म, इसलिए वो भूख नहीं बनता, शुद्ध करण बनते हैं। इसलिए भूख गाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसलिए क्या हम क्या करते हैं, भूख इससे शुद्ध करण के बारे में सभी लोग कैसे कहते हैं, सारे ग प ध सा सा नी र प म ग रे सा, तान में भी ऐसे करते हैं, ऐसा मारते हैं। हम ऐसा नहीं मारते, हो किराना गाने का स्पेशल राग है, स्पेशलिटी है। जोर कैसे देखते देते हैं हम देख लीजिए, सारे ग प ध सा ध प ग रे सा सा, ऐसा बनने से शुद्ध कल्याण दिखता है। कहीं भी मध्यम निषाद नहीं है, सिर्फ भूपी बोलते हैं। जोर जोर देने से क्या होता है, शुद्ध कल्याण बनता है। और मीन में मध्यम निषाद कैसे दिखाते हैं, मीन में मध्यम साठ नी साठ ध कैसे वो दिखा रहा हूं आपको। स्पेशलिटी किराना ज्ञान का स्पेशलिटी क्या है, जोर प्रेशर्स यूनियन प्रेशर देने से। आप पूछते होंगे कि प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप, आपको आपको सभी को मन में आता आता देखिए कि प्रेशर 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 बोलता है किराना ज्ञान में, क्या है क्यों देना, आना आना ऐसे सीधा गाओ ना, ऐसे हम मानते नहीं। हम क्या बोलते हैं, हमारे गुरुजन क्या बोलते थे, प्रेशर देने से एक तान को एक पलटे को एक फ्रेम मिलता है, फ्रेम फ्रेम चौकट बोलते चौकट, आ गे जाता देखिए इसका सौंदर्य अलग ही है। इसके अलावा सिर्फ जोर नहीं देने से गोपी, वो गोपी बोल रहा हूं, धप ग रे ग प धप ग रे ग प ग रे ग रे सा रे सा ध सा ध प ध प ध ध सा ध सा सा रे सा रे रे ग रे ग प प। ये भूप है, इसमें कई प्रेशर नहीं है, वही प्रेशर भूप में, भूप हमारा घराने का नहीं है, हम नहीं गाते हैं, शुद्ध कल्याण गाते हैं, वही प्रेशर देखे दिखाते हैं मध्यम और निषाद। इसलिए कई के रागों में किराना घराण का ही स्पेशल है, जैसे पूरिया पूरिया हमारे घराण के स्पेशल राग है, अभोगी पूरिया मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी में इसके बारे में बताया भी, सिर्फ उसका पकड़ी अलग है, बाकी के जो गाते हैं वैसा नहीं है। अभी दिखा है ना आपको, आरोहात्मक न्यास गांधार पर, औरोहात्मक न्यास ऋषभ पर, ऐसे ग्रामर रखे विदाउट वायलेटिंग एनी कायदे कानून को वायलेट नहीं करते, और न्यास बराबर देना चाहिए, पकड़ वैसा होना चाहिए। इसलिए कई कई राग हमारे घराने का है, उसमें क्या है,
अलग ही पकड़ है, अलग ही पकड़ बोल के आप जानते हैं, इसलिए वो एक हो गया। और नेक्स्ट जन कम थोड़ी कम पूरिया पूरिया का दिखा रहा हूँ कैसे है। रे रे नि धनि नि धम धग ऐसे पकड़ है ना, अलग ही होता है। और पूरिया धनाश्री में सभी एक एक राग है, इसलिए ये पकड़ और लगाओ है ना, वो अलग अलग हमारे घराने का अलग है। और पकड़ दीजिए भैरव का है, भैरव राग सा सा good।